नमस्ते, बोलिए बहन, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। हाँ, हमको बहुत कष्ट है। कष्ट बात 25-30 बरस से प्रणाम करते हैं बाबा। तो गठिया भाई है। आप फैन, मैं पूरा फैन हूँ और आपको भगवान मान के मैं चल रही हूँ। प्रणाम प्रणाम माता जी। हाँ, तो वही गठिया बात हमको से है। चलिए गठिया बाई के लिए आप उपाय सुनिए अच्छे से। देखिए गठिया बाई ये बहुत बड़ी समस्या है, माने सबसे ज्यादा आयुर्वेद में रोग बताए तो 80 प्रकार के वात रोग कहे, उसके बाद पित्त और कफ रोगों की बारी आती है। तो वायु रोगों के इतने प्रकार हैं, ऐसे तो हर एक डिजीज की डिटेल में जाते हैं, जैसे डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज हो गई, जो ब्लड प्रेशर है, एक लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, फिर उसमें थोड़ी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं। लेकिन ये जो अर्थराइटिस है ये तो 80 प्रकार का बताया, 80 प्रकार का। अब इसमें एक होता है हड्डियां कमजोर होगी, उसको ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। फिर एक होता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है और ऐसे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये जो है हमारा शरीर एसिडिक हो गया तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया तो दर्द हो जाता है। फिर आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो जाए तो अंग टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, और इस शुरुआत इसकी ज़्यादातर हाथ पैरों की उंगलियों से होती है, फिर धीरे धीरे घुटने, कमर और ये पूरा शरीर जकड़ लेता है। अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, एसोपॉजिटिव, ऑस्टेपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस, ज्वाइंट पेन, फिर इसी के ही अगला फिर स्वरूप है कि इसका रीढ़ की हड्डी पर असर आता है तो सर्वाइकल स्पेलाइटिस पेन, फिर नीचे दर्द आता है तो बैक एक, दर्द पैर में चला जाता है तो शैटिका, ये सब वायु के विकार हैं सर। इसके लिए क्या करें? तो बहुत सिंपल सा उपाय बता रहा हूं, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द है, जोड़ों के दर्द से लेकर के मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में दर्द से लेकर के गठिया से लेकर के किसी भी प्रकार का पेन है आपकी बॉडी में, तो वातारी चूर्ण बहुत सामान्य है। मैं अक्सर लोगों को बताया करता हूँ हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खा लो, ये भी घरेलू उपाय अच्छा है, लेकिन सब लोग ऐसा कर नहीं पाते। उसमें अश्वगंधा और सुरंजान मीठी और विधारा, ऐसे औषधि हम बताते रहते लेकिन सब कहाँ बना पाएंगे ऐसा। बहुत सिंपल सा है ये वातारी चूर्ण, जो आपको अलग अलग चूर्ण यहाँ से उपलब्ध हम कराते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि चूर्ण हैं, इनमें जो ये वातारी चूर्ण, ये रहा ये वातारी चूर्ण, ये वातारी चूर्ण जो है बहुत सस्ता सा है, इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इससे सस्ती कोई आयुर्वेदिक की औषधि हो भी नहीं सकती। आजकल तो एक एक पेनी किलर लो तो 10-10, 20-20 रुपए के आते हैं, ज़्यादा महंगे पेन किलर तो 50-50, 100-100 रुपए तक के भी आते हैं, ये तो 100 रुपए से भी कम इसकी कीमत है। आजकल लोग आयुर्वेद की दवाओं के नाम पर 500 रुपए की, 5,000 की किट बना बना करके देते हैं लोगों को। वातारी चूर्ण खाइए। सामान्य रूप से जोड़ों के दर्द के लिए चंद्र प्रभा वटी, एक गुग्गल, चाहे वो सिंहनाद गुगुल है, चाहे त्रिदशांक गुगुल है, गोक्षराद गुगुल है, कैशोर गुगुल है, ये हमारे वैद्य आपको पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और पतंजलि मेगा स्टोर्स पर आपको दे देते हैं। यदि जोड़ों के दर्द के साथ आपको स्किन की भी प्रॉब्लम है तो कैशोर गुगुल देते हैं, यदि जोड़ों के दर्द के साथ यूरिन में भी जलन है तो गोक्षराद गुगुल देते हैं, सामान्य रूप से जोड़ों में दर्द है तो सिंहनाद गुगुल या योगराज गुगुल देते हैं, जोड़ों के दर्द के साथ साथ कमर में और पैर तक भी दर्द चलता है तो त्रिदशांक गुगुल देते हैं। तो एक चंद्र प्रभावटी, एक गुगल कोई भी, और साथ में पीड़ांतक वटी, या जैसे किसी की कफ प्रकृति है, शरीर भी बहुत कमज़ोर है तो शिलाजीत की गोली भी दे देते हैं, लिक्विड शिलाजीत भी दे देते हैं, शिलाजीत का कैप्सूल भी दे देते हैं, या शिलाजीत रसायन हमारी गोली भी आती है। तो ये सामान्य रूप से सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द के लिए अचूक औषधियाँ हैं। एलोवेरा हर मौसम में, कुछ लोगों को भ्रांति है कि यह ठंडा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्म पानी में पियो तो ठंडा नहीं होता है, ठंडे पानी में पियो तो एसिडिटी भी दूर करता है, ये एक साथ वात रोगों को भी दूर करता है, पित्त रोगों को भी दूर करता है, धातु रोगों को भी दूर करता है, शरीर को पोषण देता है, तो एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं है। खैर मैं कहता हूं 3 रस पी लो आप, निर्गुंडी, संभालू, महला, अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं लोग इसको,
पारिजात, हार श्रृंगार उसके फूल और पत्ते दोनों का, और एलोवेरा, ये तीन रस पीने से किसी भी प्रकार का वात रोग 100% दूर हो जाता है। और ये सब ना मिले किसी को, निर्गुंडी, पारिजात, एलोवेरा ताजा ना मिले, तो एलोवेरा तो पतंजलि का मिल ही जाता है, एक पीड़ांतक क्वाथ आता है हमारा, उसको उबाल करके पी लीजिए आप। सबसे बेहतर होता है अर्थराइटिस के लिए, हमने लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाया, माने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के, और अर्थराइटिस, रमेटेड अर्थराइटिस, जब कहते ना कि ये तो असाध्य कोटि का वात रोग है, इनकेरेबल है ये, तो आयुर्वेद में भी रोगों की स्थिति के बारे में कहा गया है, ये सामान्य कोटि का रोग है, ये साध्य कोटि का रोग है, ये असाध्य कोटि का रोग है, तो असाध्य कोटि का रोग भी गिलोय पीने से ठीक हो जाता है। और ये प्रयोग हमने सैकड़ों, हजारों, अब तो लाखों लोगों पर किया है, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ, जवाबदेही के साथ, प्रामाणिकता के साथ, ये बड़े शब्द मैंने बोले हैं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, एक ऑथेंटिक बात है मेरी ये, कि आप गिलोय का सेवन करेंगे सुबह शाम दो दो गोली खा लीजिए, और सबसे अच्छा है गिलोय का काढ़ा पी लो, ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पतंजलि का गिलोय ले जाओ क्वाथ और उसको उबाल करके पियो, ताजा गिलोय तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बार बार कहा अर्थराइटिस के लिए इससे निरापद कोई औषधि नहीं, तो कुछ लोग आयुर्वेद की औषधियां लेते हैं, जैसे मैंने कहा चंद्र प्रभावटी लो, कोई गुगल लो, शिलाजीत लो, वातारी लो, फिर ज्यादा हो जाता है तो महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, उसमें गोदंती भी 10 ग्राम मिला देते हैं, और बृहत वात चिंतामणि 2 से 3 ग्राम मिला देते हैं, महंगी बहुत होती है फिर ये औषधियां जा करके, क्योंकि उसमें स्वर्ण भस्म होती है बृहत वात चिंतामणि में, तो फिर ये हजारों रुपए की औषधि हो जाती है। मान लीजिए आपने 3 ग्राम स्वर्ण संत मालती ले ली, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, गोदंती, महावात विध्वंसन रस, तो ये 1,500-2,000 रुपए की औषधि हो जाती है आपकी, आवश्यकता ही नहीं आपको। बहुत अपवाद रूप में यदि बहुत ज्यादा रोग बढ़ गया है तो हम देते हैं, नहीं तो मैं कहता हूं आप खाली गिलोय पियो और प्राणायाम करो, वातारी चूर्ण ले लो। गिलोय में सबसे खास बात यह कि ज्यादातर जब जोड़ों के दर्द की दवाई खाते हैं तो लोगों को एसिडिटी और गर्मी होने लगती है। आप जो मैं गिलोय का प्रयोग बता रहा हूं, इससे आपकी जोड़ों के दर्द की भी समस्या ठीक होगी, एसिडिटी भी आपकी ठीक रहेगी, पेट भी आपका ठीक रहेगा, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, तो त्रिदोष नाशक है गिलोय। इसलिए जोड़ों के दर्द से लेकर के डायबिटीज से लेकर के मोटापा से लेकर के इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर के स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकुनगुनिया से लेकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, और जो रोगी हैं उनको निरोगी बनाने के लिए, और जो निरोगी हैं वो कभी रोगी ना हो, एक बार भी हमें जीवन में बीमार ना पड़ना पड़े, इसके लिए आप गिलोय खाया करें। जैसे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, खुद जिस कुल में इस शरीर का जन्म हुआ, मैंने अपनी दादी को देखा था, फत्तो दादी नाम था, 102 साल का उनका शरीर पूरा हुआ था, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ जिंदगी में, एक बार भी। ऐसा जीवन आप जीना चाहते हैं तो थोड़ा योगाभ्यास कीजिए, और गिलोय छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो गोली खिलाइए, और अर्थराइटिस से तो पूर्ण रूप से निजात पाइए। तो ये मैंने अर्थराइटिस के संदर्भ में पूरा उपचार बता दिया, एक बहुत बड़ी समस्या है और करोड़ों लोग इससे जूझते हैं।